चलिए तो हम आ रहे हैं पालवंश के पास, और ये आपको पता होगा कि ये 750 से लेकर और 1154 ईस्वी तक, ठीक है, पाल सत्ता रही। और यदि भारत का एक मोटे तौर पर नक्शा बनाए कि आखिर पाल थे कहाँ पर विस्तार, तो यदि इसको हम भारत ले लें तो जो पालों की सत्ता थी वो जनरली यहां तक विस्तृत थी। ये पाल सत्ता, अब इन्होंने जो राजधानी बनाया था, इनकी राजधानी बिहार के मुंगेर में थी, आपको पता होना चाहिए। और सबसे पहले जो पाल वंश का शासक था, जो 750 में बना था, उसका नाम गोपाल। ये 750 से लेकर और 770 तक शासन किया। इसके बाद इसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था धर्मपाल। यह 770 से लेकर और 810 तक, यानी लगभग 40 वर्ष तक इसने शासन किया। उसके बाद इसका पुत्र हुआ देवपाल, जो 810 से लेकर और 850 तक शासन किया। ध्यान रखेंगे जो 11वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण शासक हुआ वह था आपका महीपाल, ठीक है। और इसी के समय में 1023 में बंगाल में राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था। ये चोल शासक था जो दक्षिण भारत का था, और इसी के द्वारा ये आक्रमण किया गया। अब रहा कि ये लोग क्या क्या किया, ध्यान रखेंगे ये जो गोपाल था ये ओदंतपुरी जो वर्तमान बिहार शरीफ में है, बिहार शरीफ में है, इनके द्वारा बौद्ध विहार बनाया गया था। जो धर्मपाल था इसके द्वारा जो है भागलपुर में विक्रमशिला बौद्ध विहार को बनवाया गया था। ये बौद्ध धर्म के पाल शासक समर्थक थे। यहाँ पर जो थे प्रतिहार थे, जिनको गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है, और ये धीरे से यहाँ कन्नौज पर राज्य करना चाहते थे। और यहाँ पर जो थे आपके ये राष्ट्रकूट थे, और ये पूरी तरह अपने क्षेत्र को नहीं चाहते थे कि किसी के अंदर जाए, और न ये दूसरे में हस्तक्षेप करना चाहते थे। लेकिन डर था कि ये जब जब इसको को जीतेंगे इस माध्यम से आसानी से राष्ट्रकूट तक आ जाएंगे, और इसलिए ये बराबर चिंतित रहते थे कि क्यों ना हम प्रतिहारों के विस्तार को रोक पाए। सबसे पहले हुआ क्या कि बंगाल में गौर वंश का शासन था, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में किया था आपको। ये जो पाल है ये बंगाल में शासन थे इनकी, ठीक है, बिहार तो मुंगेर राजधानी अलग थी। तो ये बंगाल जो था, यहाँ इसके पहले
जो पालों के पहले थे वे थे गौड़ वंश के लोग, और इस ढंग से गौड़ वंश का जो प्रसिद्ध शासक था इसका नाम था शशांक। और आपको पढ़े ही होंगे जो हर्षवर्धन में मैंने चर्चा आपको किया था कि शशांक जो है उसने मालव नरेश देवगुप्त के साथ मिलकर और मौखरी नरेश की हत्या कर दिया था। जो मौखरी नरेश ग्रहवर्मन प्रभाकर वर्धन का दामाद था और राजश्री का पति भी था, हर्षवर्धन का जीजा भी था। तो बदला लेने के लिए हर्षवर्धन ने हमला किया, और जब हमला किया तो शशांक वहां से भागने लगा, और भागते भागते शशांक जो है वो बांग्लादेश, उस समय में पूर्वी बंगाल कहा जाता था, और उसके नदिया क्षेत्र में चला गया। और जब उन क्षेत्रों में चला गया तो वैसे स्थिति में चूंकि समुद्र में तैरना उत्तर भारत की सेना के लिए या हरियाणवी सेना के लिए संभव नहीं था, उस समय में जन सेना हर्षवर्धन के पास मजबूत नहीं थी, और ऐसी स्थिति में वह निर्णय लिया कि हमें आक्रमण सुदूर पूर्वी क्षेत्र जहां पर केवल बाढ़ ही बाढ़ है आक्रमण नहीं करना चाहिए, और अंततः लौट गया। लौटने के बाद वह दक्षिणी क्षेत्र की ओर आक्रमण करने की सोचा, लेकिन इन दक्षिणी क्षेत्र में भी आक्रमण में वो सफल नहीं रहा, क्योंकि वेनसोंग के समय में सॉरी हर्षवर्धन के समय में वेनसोंग आता है और कहता है कि हा को नहीं जीता, लेकिन ये तय था कि शशांक को कमजोर जरूर कर दिया। अब चूंकि शशांक जब कमजोर हो गया तो बंगाल की सत्ता मत्स्य न्याय की स्थिति में चली गई। ध्यान रखेंगे जब भी अयोग्य व्यक्ति को आप कुर्सी पर बैठाते हैं तो आपको क्षति करता है, और आपको बिल्कुल कितने अंधे लोग हैं बिहार के कम से कम, और कितने जतपतिया है हम तो कहेंगे कि कितने ज्यादा उनके मन संक्रमणित है, अथवा गद्दा ही गद्दा को पसंद करता है, ये भी मैं करना चाहूंगा कि बिहार में करीबन 33 साल से वैसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो इस बिहार को पहले से बहुत पछाड़ दिया। एक समय था कि भारत में बिहार पांचवा विकसित राज्य माना जाता था, आज अगर 200 राज्य भारत में बनाया जाए तो 200वां हो जाएगा, इतना पिछड़ जाएगा। इसके पीछे कारण केवल अयोग्य लोग ही नहीं है, योग्य भी दोषी है। योग्य को भी चाहिए गणेश परिक्रमा करने वाला आदमी, वो चाहता हम ही टैलेंटेड है, हमको ही लोग पूजे, और जब नहीं पूजेंगे तो वैसी स्थिति में वैसे दुष्ट लोगों से दोस्ती कर लेगा जो उनको पूजे, उनका सम्मान करे, उनकी परिक्रमा करे। ये नहीं कि शंकर जी की परिक्रमा गणेश जी कर दिए तो बात खत्म, अब गणेश जी को भी चाहिए हमारी परिक्रमा करे, फिर हमार करे परिक्रमा, अरे कौन करेगा तब? तो वही देखते अयोग्य लोगों से वो साथ ले लेते हैं ताकि वो घूमे, अयोग्यों का मनोबल बढ़ जाता है, और वही मनोबल बढ़ने से अपनी सत्ता पर वो काबिज रहते हैं। भले वो कहते हैं कि योग्य लोगों में एकता नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसको योग्य कहा जाता है वो सभी के सभी नेता ही बनने लगते हैं, वो कहते हैं मुझे लोग पूजे, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि कई बार पूजना जो है उनके लिए हानिकारक है। बिहार में कुछ इसी प्रकार से योग्य लोगों की कमी नहीं है, लेकिन वो चाहते हैं गणेश परिक्रमा करने वाला चाहिए, और इसलिए अयोग्य को वो प्रश्रय देते हैं, और जब अयोग्य को प्रश्रय देंगे सत्ता में आप रखेंगे तो अयोग्य सत्ता ही हो, और यही स्थिति आपको देखी गई थी, मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वर्तमान में केंद्र में भले ही जो भी सरकार है, लेकिन मिला जुला कर देखा जाए तो मैं सुन रहा हूँ भैया में बड़ा असर जा रहा है, बोल रहा है सब ठेला पर सीधे सीधे चिल्ला चिल्ला के कहा 10 रुपया में मैंने 50 रुपया में 5 किलो आलू, 50 रुपया में 3 किलो प्याज, 50 रुपया में 10 किलो गोभी, मैंने ठेला पर घूम घूम के बेच रहा है सर, कितनी सस्ती आई है ये समझ से परे, हर चीज सस्ता है। एक गैस सिलेंडर छोड़ दिया जाए तो गैस सिलेंडर तो खैर विदेश से आता है, वहां तो चुकाना है विदेशी मुद्रा,
अगर सरकार अपने कोर्स को रिक्त कर दे दूसरे देश को देने में, हमारे देश के जलावन का देखते हैं क्या रेट हो गया है, कोई रेट नहीं है, सर रही लकड़ियां, सर रहा है गोबर। पहले चिपड़ी से हम प्राचीन जमाने से खाना बना रहे थे, सब अगर गैस से खाना बनाएंगे तो पैसा ठीक है कि सरकार भंड दे देगी, लेकिन कोर्स तो रिक्त होगा, विदेशों में तो जाएगा, अगर रेट उसका ज्यादा है तो निश्चित रूप से इसलिए नहीं है कि सरकार बढ़ा रही है, विदेशों में ही उसका दाम बढ़ रहा है। और दूसरी चीजें अगर बढ़ाई भी है तो उससे फायदा है देश को, क्योंकि वही लोग प्रयोग करेंगे जो चरण विलासी है, चरण मेहनती है, बाकी लोग नहीं करेगा, क्योंकि चिपड़ी गोइठा जो है अभी भी है और अभी भी लकड़ी है। जब आपको सामान्य छोटे छोटे खाना बनाना है जरूरी नहीं है, अब दिन भर चाय बनाना है तो गैस का प्रयोग कीजिए, लेकिन बहुत खाना बनाना है अगर तो चिपड़ी है या फिर घर में लकड़ी है उससे बनाइए। जब उनमें खाना लोग अच्छे अच्छे 8-8, 10-10 सिलेंडर जगह में प्रयोग कर दे रहे हैं, आश्चर्य जो है हलवाई तो वही चाहेगा ना, हलवाई ने मजदूरी नहीं घटाया, फैसिलिटी बढ़ा ली और साथ ही साथ उपभोग भी आपका कर रहा। यही हुआ बिहार में जो था मत्स्य न्याय की स्थिति उत्पन्न हो गई और बंगाल में भी। अतः जनता को समझदार, ये गरेड़िया था, ये क्या था, गरेड़िया, गरेड़िया बोलते हैं जो भेड़ और को चराता है और वही चराने का काम करता था। अंततः इसको लक्ष्मी की बांह बहाई गई, सत्ता में आ गया, आने के बाद बौद्ध धर्म का अनुसरण किया और इधर से सत्ता का विस्तार किया। बाद में इसका उत्तराधिकारी धर्मपाल हुआ, धर्मपाल राजधानी मुंगेर लाया, यह अपना क्षेत्र जो है फैला कर ले जाना चाहा कन्नौज में, क्योंकि हर्षवर्धन का अंत हो चुका था और वहां पर आयुधवंशी शासक इंद्रायुध की सत्ता थी, हटाकर चक्रायुध को बनाया। अर्थात कभी ये इंद्रायुध का समर्थन करता था, कभी चक्रायुध का करता था। ऐसी स्थिति में जब ये पताका लेकर जा रहा था मुंगेर, तब तक प्रतिहार शासकों ने ये हमला कर दिया और हमला करके उसको पताका छीन लिया। प्रतिहारों के पास दो पताका थी, तब तक राष्ट्रकूटों को पता चला, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव आक्रमण करके और फिर धर्मपाल का पताका भी ले लिया और साथ ही प्रतिहार का पताका भी ले लिया, यानी दो दो सफेद पताका लेकर नीचे आया, यानी ध्रुव काफी मजबूत था, यूं कहे राष्ट्रकूट मजबूत थे, ये मजबूत जरूर था, ऐसा नहीं कि इसको उत्तरापथ स्वामी गुजराती कवि सुंदर ने क्या कहा है, उत्तरापथ स्वामी ने कहा है, ये तीनों में ज्यादा शक्तिशाली माने गए हैं, लेकिन पराजय इसको मिला था, सकता है सेना हार गई हो या आक्रामक पश्चिमी युद्ध के सामने पूर्वी युद्ध कमजोर पड़ गया हो, लेकिन ये हार गया था। अब रही बात इसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ, ये काफी शक्तिशाली था, भले इसको प्रसिद्धि कम मिली लेकिन सारे पाल शासकों में सबसे शक्तिशाली था। इसने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चहु दिशाओं में अपने राज्य का विस्तार किया। जब 11वीं शताब्दी आया, इसके बाद सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगी तो महिपाल हुआ और महिपाल के समय में आप देखे होंगे कि विद्यालय जो था वो चोर वंश का नहीं डाला था, फिर राज राजा प्रथम, फिर राजेंद्र प्रथम, राज राजा प्रथम बहुत ही प्रतापी था और वो सुदूर दक्षिण में यहाँ तक कि आधा श्रीलंका तक को जीत लिया था। इसका उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल हुआ, राजेंद्र चोल जो है बंगाल तक आक्रमण किया और बंगाल में उस समय महिपाल की सत्ता थी, महिपाल को भी पराजित किया और इस तरीके से बंगाल पर कब्जा कर लिया। लेकिन इसका उद्देश्य था गंगा जी के पानी को प्राप्त करना या गंगा जी के पानी को ले जाकर दक्षिण भारत में कोंड में डलवाया, जिसको गंगई कोंड तालाब कहा गया और अपना नाम उपाधि धारण किया गंगई कोंड चोलपुरम, यानी गंगा के क्षेत्र का विजेता। और इस तरीके से वह चोल झील में बदल दिया था बंगाल की खाड़ी को, यानी राजेंद्र चोल ही था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों में जो पाल बौद्ध धर्म के समर्थक थे, सहिष्णु थे, उनके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी किया गया। ये बौद्ध धर्म के विस्तार के साथ साथ ज्ञान के विस्तार करना चाहते थे, हिंसा के लिए विरोधी थे क्योंकि बौद्ध धर्म की ही नीति थी। इनके समय में बड़े पैमाने पर व्यापार में वृद्धि हुआ क्योंकि ये कनेक्टिविटी को बंगाल से पूर्वी असम तक लेकर और फिर उत्तर प्रदेश तक जोड़ने में सफल रहे। इनके जो प्रबल विरोधी थे प्रतिहार थे और दूसरे प्रबल विरोधी राष्ट्रकूट थे, अतः ये घुटने टेक देते थे उनके सामने। हालांकि प्रतिहार शासक धीरे से कन्नौज पर अधिकार कर लिए और पालों का हस्तक्षेप का कोई लाभ नहीं मिल सका। ये नोट करते हैं, नमस्कार।